था कि विकेट कैसा है और ये टीम किया है, आपने सरफराज को भी चार किया, लेकिन आप इस टेस्ट मैच में तो नीचे ही लगे रहोगे। आई थिंक 60-70% गेंदे ऐसी हैं जिसका बेस्ट इस्तेमाल करती है किसी भी फॉर्मेट में। शाजिया वो वही रही है कि वो कंडीशंस को रीड नहीं कर पाए। अगर दो बैटिंग करी कैसी है आपने के साथ के एकदम से ढह जाती है। केएल राहुल क्या कर रहा है, सब करके आपका आउट कर रहे हैं। इंडिया जो है वो पूरी की पूरी टीम जो है वो 46 रन के ऊपर आउट हो चुकी है और इंडिया का कोई भी बैट्समैन जो है वो 20 रन भी क्रॉस नहीं कर पाया है और इंडिया के 5 प्लेयर जो हैं वो 0 पे आउट हुए हैं, जो एक तारीख बन गई है। पहले इंडिया जो 36 पे ऑल आउट हुई थी और आज 46 पे ऑल आउट हो गई है, तो इस पर देखिए कि इंडिया मीडिया में कैसे जो है वो भूचाल आ गया है, तो देखिए इस वीडियो में। जब तक वो बैटिंग कर रहे थे तब तक अंदाजा तो हो गया था कि विकेट कैसा है और ये टेस्ट क्रिकेट है। जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ जरूरी नहीं है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो। और बैटिंग एक शुभमन गिल आपकी टीम से बाहर हुए हैं, शुभमन गिल 3 नंबर खेलते हैं। अच्छा आपने क्या किया, रोटेट करने के चक्कर नंबर 6 ही आपने बैटिंग करानी है, आपने विराट टीम कर दिया। ठीक है लोग कह रहे हैं बड़ा करेजियस था, बट क्यों आप इतना बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करते हैं? अगर आपने विराट को 3 किया है, आपने सरफराज को भी 4 किया है, यानी कि आपको 2 बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करने पड़े। अगर आप सीधा सीधा केएल राहुल जिन्होंने अपनी ज्यादा क्रिकेट जो है एज ओपनर खेली है उनको 3 नंबर कराओ ना, अब उनको 3 नंबर कराओ। विराट 4 ही रहते, 5 ऋषभ पंत खेलते और सरफराज के लिए 6 था। सीमिंग कंडीशंस है आपको, मतलब बैटिंग उस लिहाज से करनी चाहिए थी, लेकिन 6 आउट अगर आपके 36 पे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा ना जो अब नितिन कह रहे थे कि इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ 4 डिलीवरीज। 36 6 आउट 50 ऑल आउट भी हो सकता है। आप चलो यहां से कुछ करिश्मा कर लोगे तो आप 100 रन तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप इस टेस्ट मैच में तो नीचे ही लगे रहोगे। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी है ना कि फिर सबका जो प्लेइंग कंडीशन, जो प्लेइंग पोजीशन होता है वो चेंज हुआ। अब अगर मान लो 4 नंबर पर विराट कोहली होते और 6 नंबर पर सरफराज होते तो बॉल यार पुरानी भी तो होती है, बॉल हमेशा नहीं थोड़ी रहेगी। अभी तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ यार अब तो क्या ही कर सकते जब आपके सारे बल्लेबाज आया। जो हम कह रहे हैं ठीक है बॉल, उन्होंने जैसा उनका कि पहले घंटे में बहुत जबरदस्त बॉल डाला, बहुत तगड़ा बॉल डाला, और मतलब आई डोंट थिंक, मतलब मैंने भी जो हाल फिलहाल में बात करूँगी इतना डिसिप्लिन से बॉल डालते नहीं देखा। विलो रॉड ने जो बाद में बॉल डाला उन्होंने तब जाकर वो थोड़ी सी लेंथ पीछे ड्रैग करके दूसरे, क्योंकि उनको ऋषभ और यशस्वी को उन्होंने कोशिश करी भाई कट वट ये सब करें ऐसे करें, बट जो डिसमिसल भी हुए सर ने बोला कि रोहित शर्मा को इतने एक्सपीरियंस हुए हैं, हम बात करते हैं कि टेस्ट में शायद रोहित और ख्वाजा हैं जो मतलब सबसे बेस्ट ओपनर्स में आएंगे, अभी उनको क्या जरूरत थी वॉक इन। इवन यशस्वी पहले वही कोशिशें कर रहे थे, एक दो बार रोहित ने समझाए बट रोहित फिर खुद हुए कर बैठे। उसके बाद के सरफराज के शॉट क्या थी, अब उनको 4 भेजते 6 भेजते 8 भेजते वो शॉट खेलने ऐसे विकेट पर ऐसी कंडीशन पर, तो टेस्ट क्रिकेट में मतलब फिर हर किसी को टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलती ना, उनको इतने मुश्किल से तब मिली है, तो आज कैरेक्टर शो करना था, आज ये शॉट ही उनकी ओन नहीं थी। सर बॉल जैसे भी हुआ है जो इंडिया की अप्रोच भी रही है, केएल राहुल को भी वही शायद ग्लव पर जो बॉल लगा उसी से वो बौखला गए कि अब क्या होगा, पूरा ट्रैप सेट है वो भी उसी में फंस गए वहां पर। यार मनोज ये तो हकीकत है, अगर आप गेंदबाजी देखें जितनी भी हुई है आई थिंक 60-70% गेंदे ऐसी हैं जिसको बाद में आप गेंद पड़ने के बाद कहते हो यार ये तो अनप्लेएबल था, अरे यार ये मेरे हैंडल पे लग गया, यार ये मेरे ग्लव पे लग गया, यार ये ऊपर से उठ गया। ठीक है विकेट बहुत ज्यादा टेस्टिंग है, मतलब आप बैंगलोर में खेल रहे हो या आप पुराने जमाने के हेडिंगले में खेल रहे हो समझ नहीं आ रहा, बट सामने न्यूजीलैंड है। आई थिंक द मूड पॉइंट इज कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करती है किसी भी फॉर्मेट में। जो आपने कहा उन्होंने गेंद अच्छा डाला, वो समझ गए कि हमें गेंद जो है हमें कुछ नहीं करना है। कभी कभी इस तरह की कंडीशंस हो तो गेंदबाज एक्स्ट्रा ट्राई करता है कि मैं स्विंग कराऊं मैं सीम कराऊं, वो गेंद सिर्फ एक टप्पे पे फेंकते रहे और लेंथ में उन्होंने वेरिएशन की है। थोड़ा सा गेंद आप कहते हैं ना कि 2 yards आगे 2 yards पीछे, और बैट्समैन को ये नहीं पता कि मैं आगे जाऊं या मैं पीछे जाऊं। जब एक दो गेंद भी उठ के आपको अनइवन बाउंस या कॉक करते हैं तो आपको आप अपने फुटवर्क को लेके ना बहुत ज्यादा शोर नहीं है कि यार मैं पैर निकालूं या मैं पीछे रहूं। अच्छा विराट के साथ भी वैसे ही हुआ, और मेरा ये मानना है लोग आज इस बात से अग्री करें या ना करें, होता क्या है कि आज आप जो बोलेंगे जिस दिन उनके रन आएंगे आप यही वीडियो उठा के कहेंगे कि बकवास करते थे, पर हकीकत यह है कि स्टॉप स्टार्ट क्रिकेट जो है वो आपको मानना पड़ेगा कि विराट के लिए इट इज नॉट
वर्किंग फॉर हिम, के मतलब स्टॉप स्टार्ट इन द सेंस कि पूरा साल आप देखें कभी जब वो क्रिकेट शुरू करते हैं अचानक से फिर जब ब्रेक आती है फिर लंबा गैप आ जाता है, और अभी भी मैंने देखा कि इस टेस्ट सीरीज के दरमियान जो छोटा सा ब्रेक था वो थोड़े दिन के लिए इंग्लैंड चले गए थे, विच इज ओके, बट यार आपको प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब विराट भी तो इस बात को समझ रहे होंगे कि यार मेरे रन नहीं आ रहे हैं, पूरा एक साल अगर आप उठा के देखें, हम मिड अक्टूबर पहुंच गए हैं, पूरे साल में अगर आप अक्रॉस फॉर्मेट्स देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 150 है वो वर्ल्ड T20 के फाइनल में, टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं है, इंग्लैंड की सीरीज वो खेले नहीं थे, तो आप जो मर्जी आप बड़े प्लेयर हो, आप जैसे मर्जी प्लेयर हो, आपका कॉन्फिडेंस तो हिलता ही है ना, क्योंकि आप जब दोबारा वापस आते हैं एक एक छोटी सी या बड़ी ब्रेक के बाद आते हैं मनोज, आपको आते ही ना एक आधी इनिंग चाहिए होती है टू सेटल डाउन, आपको फिर एक बड़ी पारी चाहिए होती है, अनफॉर्चुनेटली फॉर विराट वो बड़ी पारी आ ही नहीं रही है, और आज भी अगर आप देखें शायद वो गेंद जो है वो अचानक से उठा, उससे पहले भी हुआ वो ऐसा गेंद था जो उनकी इनिशियल जो थ्रस्ट मूवमेंट है वो थोड़ी सी आगे जाती है, और इसके कारण उन्होंने दुनिया भर में जिंदगी में बहुत रन बनाए हैं, बट आज इट डिड नॉट वर्क। ठीक है वो बैड लक भी आप कह सकते हैं कि गेंद कॉक कर गया, ग्लव पे लगा, उन्होंने लेग स्लिप लेग गली रखी हुई है वहां पर कैच चला गया, लेकिन यार आप स्कोरबोर्ड में तो यही है ना कि रोहित, विराट, जायसवाल, सरफराज, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, ये विकेटें गुम चुकी हैं आपकी, गवा चुके हो आप, यहां से भी चूंकि होम टेस्ट मैच है तो हमें पता है कि यार हो सकता है कि इंडिया कमबैक कर ले, हो सकता है कि एंड में इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाए, लेकिन स्कोरबोर्ड ये कह रहा है कि 36 पे 6 आउट हो आप, अगर यहां से आपकी टेल बड़ा बड़ा कुछ करिश्मा कर गई, ऋषभ पंत ने कुछ शॉटें मार दी इधर उधर, अश्विन थोड़ी देर खड़े हो गए, तो क्या होगा, आप बड़ा हद मार लोगे तो 100 रन बना लोगे, 100 रन ना। टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन सर जोकर अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमने सिचुएशन को रीड करने में मिस्टेक की है, क्या आकाशदीप को ना लेना एक बड़ा नुकसान होगा, अगर अंग्रेजी में अंग्रेजी की कहावत होती है दुर्घटना घटी, मुझे लगता है अब तक का जो खेल है या खेल से पहले टॉस और इंडिया की रणनीति है शाजिया वो वही रही है कि वो कंडीशंस को रीड नहीं कर पाए, अगर दो बैटिंग करी कैसी है आपने, क्या बैटिंग करी है आपने, वो बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स को मार के आपको लग रहा था कि भैया हम बहुत बड़ी टीम बन गए हैं, न्यूजीलैंड ने आके आपको ऐसा आईना दिखाया है, 49 बना लोगे, 49 तो बना लोगे कि आज 49 का भी रिकॉर्ड तोड़ना है अपना, ऐसा क्यों होता है इस टीम के साथ कि एकदम से ढह जाती है, वर्ल्ड चैंपियन है जी, दुनिया में सबसे बड़ी बन गई जी, दो WTC फाइनल खेले हैं, इस बार भी WTC फाइनल खेलेंगे, BGT में मारेंगे जी, 5-0 कर देंगे उनको, एक दिन ऐसा एकदम से 34 for 6। जडेजा की शॉट क्या थी वैसे, कौन सा छक्का मारा था जडेजा, चलो विकेट्स गिर गई हैं, आप कहां पे फ्लिक मार रहे हो, क्या कर रहे हो आप, केएल राहुल क्या कर रहा है, केएल राहुल आराम से, कोई ऐसी तो बॉल नहीं अंदर आई कि उसकी बोल्ड कर दिया उसको, LBW कर दिया, आराम से डाउन द लेग साइड लगा दिया जी निक, कैच आउट हो गए, मतलब टॉप ऑर्डर गया है तो केएल राहुल ने जिंदगी में कभी चलना ही नहीं है, केएल राहुल पे इतना भरोसा किया, इतना भरोसा किया, मगर वो भरोसे के लायक ही प्लेयर नहीं है, मतलब हमेशा जब भी प्रेशर होता है ये आदमी डिसअपॉइंट ही करता है, इसको जब अपनी जगह बचानी होती है तब ये रन मारता है, पता नहीं किस मुंह से इसको RCB लेके आ रहे हैं ये लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही किसने क्या उखाड़ लेना RCB में आके, कोहली साहब का ये भाई 9 बॉले आपने 8 बॉले खेल ली, एक रन नहीं निकाला आपने, और लास्ट में आप अपने डिसमिसल देख लो जरा, सेटअप करके आपको आउट कर रहे हैं, लेग स्लिप लेके आपको आउट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में बॉल कराई है, और आप हमेशा यंगस्टर पे, यार कोई भी डेब्यूटांट होता है, और ऊर्ख हो या मूर्ख हो कोई भी हो, आपने विकेट देनी होती है उसको, क्या आपने गिफ्ट करने आए हुए हो आप, दानवीर करण हो आप, कौन हो आप, लगी नहीं रहा है विराट कोहली तो इंटरेस्टेड है, मैं कितने टाइम से चीखे मार रहा हूं कि मतलब ठीक है आप लंडन शिफ्ट हो गए, एवरीथिंग इज फाइन, अब तो आप जेलिन हो जाने चाहिए ना, अभी तक तो यूज टू हो जाने चाहिए, लंडन दिल्ली, लंडन बेंगलुरु, लंडन मुंबई, सब कुछ होना चाहिए, अभी तो सेटल हो जाने चाहिए, तो फिर क्या कारण है, बांग्लादेश पूरी सीरीज देख ली हमने, श्रीलंका की 3 इनिंग देख ली, आज 0 पे आउट हो गए हो आप, 8 बॉलें शुरू की खेल के, डाउन द लेग साइड आपको थोड़ी सी ऊपर बॉल आई है, आपने जो है उधर पता नहीं कैसी वो शॉट थी, मतलब अनइंटरेस्टेड लोगों ने वीडियो
में जिस तरह मुलाजा किया है कि इंडियन मीडिया में जो है वो किस तरह जो है एक कैफियत जो है वो तारी हो गई है, सब रोहित शर्मा को जो है वो कोस रहे हैं कि उसने क्यों जो है वो टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग का जो है वो फैसला किया और वो उसका फैसला बिल्कुल ही गलत साबित हुआ है। और मैट हेनरी ने जो है वो 5 खिलाड़ियों को जो है अपना शिकार बनाया है और न्यूजीलैंड ने ब्रिलियंट फील्डिंग का जो है वो आज मुजाहरा किया है और विलियम जो उनका नया बॉलर था उसने भी 4 प्लेयर को जो है वो अपना निशाना बनाया और तारीख में पहली बार जो है वो इंडिया के 5 प्लेयर जो है वो 0 पर आउट हुए हैं और कोहली भी जो है वो कोई रन नहीं बना पाया, सरफराज खान कोई रन नहीं बना पाया और रोहित शर्मा बस 2 रन के का मेहमान बने और पवेलियन को जो है वो चलते बने। ऋषभ पंत ने जो है वो थोड़ी मजाहमत का मुजाहरा किया और उन्होंने 20 रन जो है वो स्कोर किए। इसके अलावा यशवी जायसवाल ने जो है वो थोड़े रन किए हैं, ज़्यादा नहीं, और सिर्फ 13 रन वो स्कोर कर पाए हैं। अगर ये 2 प्लेयर भी 4-5 रन के अंदर आउट हो जाते तो इंडिया का जो है वो टोटल स्कोर जो है 20 या 25 रन होता और ये एक शर्मनाक रन होते। जैसा ये 46 भी है जो इंडिया का सेकंड लोएस्ट रन हैं टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहले जो है उनका 36 रन जो था वो लोएस्ट था और अब ये 46 रन जो है वो बन चुके हैं। और ये न्यूजीलैंड ने बॉलिंग के साथ साथ जो है वो शानदार फील्डिंग का भी जो है वो मुजाहरा किया और आपने देखा है कि किस तरह जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो अपनी टीम के पीछे पड़ चुका है। लेकिन ये क्रिकेट है, ये आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है, तो इसलिए जो है इंडिया की टीम शानदार है, हो सकता है कि ये मैच जीत भी जाए। लेकिन अभी तक जो न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है, न्यूजीलैंड जॉन हाना बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।